welcome to everybody. I am sure all of you will be fine. Come with me to do science practical from chapter Is Matter Surrounding Us. तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं. प्योर मैटर हम लोग के आसपास जो है वह मैटर प्योर है या इम्प्योर. तो मैटर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. व्हाट इज द प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स विच कंसिस्ट ऑफ द वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स यानी सेम काइंड ऑफ द पार्टिकल्स. द प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट एंड कंपाउंड. एग्जाम्पल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट एंड कंपाउंड. तुम लोग को दिखा रहे हैं एलिमेंट क्या होता है. जैसे इसको देखो, ये गोल्ड है ना, ये भी एलिमेंट है, ये प्योर सब्सटेंसेस है. यहाँ ये कॉपर है, ये कॉपर है, तो ये प्योर सब्सटेंसेस है ना, ये भी कॉपर है, देख सकते हैं घर में. ये भी कॉपर है तो ये प्योर सब्सटेंसेस है. और ये आयरन, ये भी प्योर सब्सटेंसेस है, देख रहे हो ना, ये प्योर सब्सटेंसेस. अब हम कैसे इसको कहेंगे, है ना, हाउ कैन आई से दोज आर द प्योर सब्सटेंसेस. द प्योर दीज सब्सटेंसेस आर प्योर सब्सटेंसेस, द कॉपर, आयरन एंड गोल्ड. बिकॉज द प्योर सब्सटेंसेस आर कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, सेम काइंड ऑफ द पार्टिकल्स. The example of the pure substances, element and compound. Element, this is the element. This is the element. This is the copper element. ये iron element. It cannot be broken into the simpler substances. It cannot be broken into the in other substances. यानी अगर copper को तुम chemically भी अगर इसको तोड़ते हो तो ये कॉपर ही बनेगा. इसका एटम या मॉलिक्यूल्स को अलग, इन एटम को, द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली एटम्स. तो एटम अगर ये तोड़ोगे तो क्या होगा, कौन सा एटम बनेगा, ये कॉपर एटम बनेगा. दिस इज द कंसिस्ट ऑफ द कॉपर एटम, दिस इज कंसिस्ट ऑफ द गोल्ड एटम. और इसको गोल्ड एटम, ऐसा नहीं है कि ये हम गोल्ड को अगर एटम को तोड़ेंगे तो यह कॉपर बना लेगा या ये गोल्ड बना लेगा. सो इट इज द एलिमेंट एंड एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंसेस. दिस ऑल आर द प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे आर द एलिमेंट एंड दिस इज द दोज आर द प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस एग्जाम्पल एलिमेंट एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड. Compound is consist of the one ya more, one than more atom and molecules. One than compounds consist of one, more than one atoms and molecules. जो एक या एक से अधिक atom या molecule से बना होता है उसको क्या कहते हैं, compound कहते हैं. और उसका एक और भी properties है, consist of the fixed ratio, है ना, ये फिक्स रेशियो. केमिकली कंबाइन, द कंपाउंड्स कंबाइन केमिकली, ये केमिकली रूप से कंबाइन करता है, है ना. अब जैसे हम लेते हैं वाटर, वाटर इज कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, 2:1 रेशियो. सो इट इज द कंपाउंड एंड वाटर इज द प्योर सब्सटेंस, दिस इज द प्योर सब्सटेंस. This is the sugar. The formula of the sugar, C12H22O11. This is the pure substances. It consists of the carbon atoms, hydrogen atoms, and oxygen atoms. The one molecules of the sugar, the 12
the number of the carbon atom is 12 and number of the hydrogen atom is 22 and number of the oxygen atom is 11. So it is the compound, and the sugar is the pure substances. And salt. This is the salt. Salt, the formula of the salt is NaCl. It consists of the Na, sodium and chloride. Sodium atom and chloride, which is consist of the atom and molecules, then they are the pure substances and they are compound. The sodium chloride is consist of in 1:1 ratio. Yeah, सोडियम और क्लोराइड जो होता है वह सोडियम के एक एटम और क्लोरीन के एक एटम से बना होता है, है ना? तो ये क्या है? ये कंपाउंड है, है ना? ये एटम से बना हुआ है इसलिए यह कंपाउंड है, और कंपाउंड है तो यह क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। इट केमिकली इट कंबाइन केमिकली या केमिकली रूप से कंबाइन करता है, है ना? ऐसा नहीं कि इसको मिला देंगे, सोडियम और क्लोराइड को मिला देंगे तो वो बन जाएगा, नहीं। इसका 1:1 के रेशियो में जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तब यह रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, इसलिए ये क्या है? ये कंपाउंड है, है ना? तो यह भी प्योर सब्सटेंसेस है। एसेटिक एसिड विनेगर, ये है विनेगर। द फॉर्मूला ऑफ द विनेगर इज द CH3COOH। इट इज यूज्ड टू इट It is the compound. It consists of the carbon, hydrogen, and oxygen atom. Formula CH3COOH. So it is the compound, and it is the pure substance. So we can say that the element and compounds are the pure substances. Matter is divided into two parts: pure substances and impure substances. Now we see the impure substances. Impure substances is mixture. Pure substances, element and compounds, which consist of the one type of the particle. And impure substances are mixture. Mixture means the more than two or one or two compounds आर मिक्स इन एनी रेशियो। जब किसी भी सब्सटेंसेस को अगर हम किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो वह क्या कहलाता है? मिक्सचर, है ना? एंड मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। व्हाट इज द होमोजेनियस एंड व्हाट इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर? नाउ वी सी द होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज वाटर एंड नाउ इट इज salt. This is the water, this is compound, and this is the salt. Now it mix with water. अब यह क्या हो गया? यह mix हो गया, थ्रू आउट मिक्स हो गया, पूरे में मिक्स हो गया, है ना? ऐसा नहीं है कि ये नीचे में बैठ गया, ठीक है? ये मिक्स हो जाता है। Solute particles
and water is the solvent. Here the water is the solvent and sugar is the solute particles. And the solute and solvent are mixed in any ratio. This forms the solution. Solution consists of the solvent and solute particles. Solid particles is sugar and the solvent is the water. And then it forms solution. This is the homogeneous mixture. Homogeneous mixture का क्या अर्थ हो गया कि इसमें जो solute particles है वो दिखाई नहीं पड़ता है. अगर वो अच्छे से घुल जाता है तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा. बहुत ही छोटा होता है उसका जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वह बहुत ही छोटा होता है. इसमें कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है. ये साल्ट का जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है. यहाँ यहाँ भी यह दिखाई नहीं पड़ रहा है. ठीक है. तो ये क्या कहलाया? ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाया. यानी होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वह क्या होता है, वह मिक्स नहीं, ये जब हम इसको मिक्स करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई नहीं पड़ेगा. और जब हम इसको छन्ने से इसको फिल्टर करेंगे, किसी भी चीज़ से अगर इसको फिल्टर किया जाता है तो फिल्टर पर भी यह नहीं आ पाता. इसको हम फिल्टर करते हैं जैसे इस तरह से कागज़ से बना के आप कर सकते हैं. तो ये कागज़ पर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो है वह नहीं आता है, है ना. इस तरह से आप देख रहे हैं कि फिल्टर पेपर पर कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं आता. तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहते हैं. ये सॉल्यूशन कहते हैं. ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे. अब जो यह सॉल्यूशन है तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं ना. ऊपर से भी टेस्ट करोगे तो ऐसा ही मीठा लगेगा जितना तुम इसमें शुगर डाले हो, और नीचे के पार्ट से अगर टेस्ट करते हो तो उतना ही लगेगा. यानी ये थ्रो आउट मिक्स कर गया है ना. अगर और भी ज़्यादा इसमें मिलाना चाहोगे तो ये मिल जाएगा. तो इसमें ये थ्रो आउट जो है वह मिल जाता है. होमोजीनियस मिक्सचर का एक सबसे बड़ा खास गुण होता है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन जो है वह थ्रो आउट मिल जाता है. ऐसा नहीं है ये ऊपर में अलग टेस्ट बताएगा और नीचे में अलग टेस्ट बताएगा अगर यह भूल जाता है तो. ठीक है. या भी अगर इसको भी फिल्टर पेपर रखोगे तो फिल्टर पेपर पर तुमको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना. सॉलिड पार्टिकल्स तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा. तो इट कैन नॉट बी, देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है, होमोजीनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन का अर्थ क्या हो गया, यह एक जैसा मिल गया है ना. यह एक जैसा जो है वह मिल जाता है. इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखाई नहीं पड़ता. तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया. ठीक है. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर आ जाओ. हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम दिखाना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पर है, ये वाटर मिला दिए, है ना, बिल्कुल साफ वाटर है ये. और इसमें हम सैंड मिला देते हैं. अब सैंड नीचे में, अब इसको बुलाते हैं. अब सैंड नीचे में दिखाई पड़ रहा है. इसको अगर छोड़ दोगे तो ये बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा. यानी थ्रू आउट मिक्स ये नहीं होता, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. ये हो गया तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, है ना. ये कैसा मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक और उदाहरण है. देखो इसमें हम साथ में मिला दिए और शुगर भी मिला दिए और सैंड भी मिला दिए. ये इसको बुलाएंगे तो ये एक जैसा जो है ये नहीं आएगा, ये एक जैसा नहीं आएगा, है ना. अगर इसको वाटर भी डालते हो तो यह जो सैंड है वह नीचे में
बैठ जाएगा। तो ये कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वह उसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है वह दिखाई पड़ता है। और अगर हम फिल्टर पेपर पर इसको लेते हैं, फिल्टर पेपर पर अगर इसको छानते हैं, तो इस पर जो है सैंड जो है वह आ जाता है। देखो सैंड इस पर जो है वह आ रहा है ना। सैंड जो है वह नीचे में जमा हो गया, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसको कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखें प्रैक्टिकल में, आप लोग भी अपने घर पर कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या था? इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे जो आसपास जो मैटर है वह क्या प्योर है। तो मैटर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस व्हिच मेड अप ऑफ द वन टाइप, यानी सेम काइंड ऑफ द पार्टिकल्स। ऐसे जान लो कि प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। द एग्जांपल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट एंड कंपाउंड। अभी एलिमेंट का एग्जांपल दिखाया है तुमको, है ना। कोई भी एलिमेंट जो है वह प्योर सब्सटेंसेस है। अगर इसका प्रॉपर्टी लिखने के लिए देगा तो लिख सकते हो कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द अदर सब्सटेंसेस या अदर एटम्स अदर मॉलिक्यूल्स। और कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द फिक्स रेशियो कंबाइंड केमिकली एंड मोर देन वन सब्सटेंसेस, है ना। एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस से बना होता है, केमिकली रूप से कंबाइन करता है, फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। और इम्प्योर सब्सटेंस में देखें मिक्सचर दो भाग में डिवाइड हुआ, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में अभी दिखाए साल्ट वाटर एंड शुगर वाटर, है ना। विनेगर भी देख सकते हो, विनेगर में भी अगर वाटर मिला देते हो, है ना, इसमें भी हम वाटर मिलाते हैं। वाटर मिला देते हैं तो यह भी जो है वह प्योर सब्सटेंस बन जाता है। तो इस तरह से देखा ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब कल हम इसको प्रैक्टिकल में ही बताएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर इज डिवाइडेड, द मिक्सचर इज डिवाइडेड अगेन द थ्री पार्ट, द सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन, तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। यानी जितना भी होमोजीनियस मिक्सचर अभी दिखा है वो सब सॉल्यूशन है। आप देखें सॉल्यूशन को क्या देखें, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। सॉलिड कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, नेकेड आई के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। सॉलिड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अलग नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को आज दिखा। धन्यवाद।